भारद्वाज की ये विशेष रिपोर्ट। विटामिन डी की भूमिका हड्डियों को मजबूत रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विटामिन डी का हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए भी विशेष योगदान है। बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए विटामिन डी पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, वहीं महिलाओं के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए भी विटामिन डी की भूमिका अहम है। डी जो 80% हमारी जरूरत है विटामिन डी की, वो सूरज की रोशनी या सनलाइट से होती है। ये सनलाइट जब हमारी स्किन पर गिरती है तो उससे विटामिन डी बनता है, और यह विटामिन डी खून में जाके हमारी हड्डियों और मांसपेशियों को सुरक्षित करता है, उनको पावर देता है, उनसे विकास होता है। और अगर विटामिन डी की कमी होती है, जैसे हम सनलाइट पे नहीं बैठते, तो हमारी हड्डियां कमजोर हो सकती है, मांसपेशियों का विकास पूरा नहीं हो सकता है, मांसपेशियों में कमी आ सकती है। और ये तो मुख्य कारण है। इसके अलावा विटामिन डी के और कई भी छोटे छोटे रोल हैं जिनमें बॉडी को पूरे नॉर्मल तौर से काम करने के लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने और इनके संपूर्ण विकास के लिए उपयोगी है। आवश्यक है कि शरीर में विटामिन डी की कमी न होने दें, जिससे कई तरह की बीमारियों से बचाव हो सके। जो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। जैसे बच्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ रही है, तो उस स्थिति में बच्चों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर गर्भवती माँ है तो उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, और एडल्ट्स में रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। आमतौर पर 800 से लेके 1000 या 1200 यूनिट रोज का विटामिन डी चाहिए होता है एक नॉर्मल आदमी को। और इसके लिए हम अगर आधे घंटे से लेके 45 मिनट तक सूरज की रोशनी में बैठ जाएं, जिसमें हमारे दोनों हाथ और चेहरा सूरज की रोशनी से एक्सपोज हो, और लगातार अगर आधा घंटा अगर हम बैठ जाएं, तो हमें इतना विटामिन डी मिल जाएगा जितनी हमारी उस दिन की जरूरत है। और इसमें ध्यान रखें कि जब सूरज की रोशनी चमड़ी पर गिर रही है तो हमने कोई सनस्क्रीन नहीं लगाई हुई हो, ग्लास के थ्रू नहीं आ रही हो, या बीच में कोई कपड़ा नहीं हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि 10 मिनट सवेरे बैठे, 10 मिनट शाम को बैठे तो भी हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हमको बैठना है तो हमें लगातार आधा घंटा बैठना है, उससे हमको उस दिन का विटामिन डी पूरा मिल जाएगा। धूप में कुछ समय के लिए अवश्य बैठें, जिससे शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी बने और हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में